Listen and practice. Flying together, what are some of things your parents and teachers tell you do to one time? आपके parents और teachers बोलते हैं ना समय पर काम कर लेना चाहिए. Get up in the morning, do the homework. सुबह उठ के होमवर्क करना चाहिए. Pack your school bag. What happened when you do not do the as they ask you to? This story is very interesting. And deep in forest stood a very tall tree. Stood मतलब होता है stand का second form है. Stood खड़ा होना है. Deep forest में एक जंगल बहुत था. वहाँ पे एक लंबा सा tree था. Its leafy branches spread out like strong arm. उसकी जो पत्तियाँ थी branches spread थी एक strong arm की तरह चारों ओर फैली हुई थी. This tree was the home of flock of wild geese. गीस माने होता हंस. फ्लॉक माने होता समूह. वहाँ पे जंगली हंसों का घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. वो वहाँ पे सेफ फील करते थे. वन ऑफ द गीस वाज वाइजर ओल्ड बर्ड. उसमें से एक बहुत बुद्धिमान ओल्ड जो पुराना हो गया था गीस हंस रहता था. ही नोटिस अ स्मॉल कीपर एट फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. वो नोटिस करते हैं कि एक स्मॉल जो कीपर होते हैं. कीपर मतलब होता है कि जो चढ़ते हैं ना बेल्स में पौधों, वो कीपर होते हैं. फुट ऑफ द ट्री जो पेड़ के पास वहाँ पे आके खड़ा हो गया है. एट द फुट ऑफ द ट्री ही स्पोक्स टू अदर बर्ड्स अबाउट. वह बर्ड्स से बोलता है. ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट. डू यू सी द क्रीपर. क्या तुमने क्रीपर को देखा है. डू यू सी दैट क्रीपर. ही सेड टू देम. तो बोलता है लेट अस डिस्ट्रॉय. इसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. वाई लेकिन जो बाकी के बर्ड्स हैं बोलते हैं क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉय इट. आज ता गीज इन सरप्राइज. और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजली पूछता है क्योंकि इट इज़ अ जो ओल्ड गीज था वो बोलता था कि इसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. लेकिन जो बाकी गीज हैं बोलते क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. वो बाकी जो वर्ड्स बोलते हैं इट इज़ अ सो स्मॉल. ये बहुत ही छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट. ये हमें क्या ही नुकसान पहुँचा पाएगा. डू माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड मैन. वाइज ओल्ड मैन रिप्लाइड करता है That little creeper will soon grow. जल्दी ये बड़ी हो जाएगी. It is a creeper up this tree. It will be become thick and strong. ये बहुत ही जल्दी creeper बहुत ही thick मोटी और strong हो जाएगी. What of that? तो उससे क्या होगा. Ask the geese. और फिर गीस पूछते हैं उससे क्या होगा. मोटी भी हो गई पेड़ भी चढ़ गई. What harm can a creeper do us. उससे क्या होगा. Do you see replied the wise. तुमने देखा नहीं क्या. replied the wise old bird with the help of that creeper. इसकी हेल्प से जो creeper की हेल्प से it will be possible for someone to climb the tree. इस creeper की वजह से कोई भी पेड़ पौधे में चढ़ जाएगा इस पेड़ पर. climb this tree. climb मतलब होता चढ़ना. a hunter can come up and kill us all. और हंटर जो होता है शिकारी होता है इस पर आएगा इससे चढ़ेगा और हम सभी को मार देगा. किल ऑफ अस. वेल दे आर नो हरी. लेकिन यहाँ पे किसी को जल्दी नहीं है. दे रिप्लाइड द क्रीपर इज वेरी स्मॉल. क्रीपर भी बहुत छोटी है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. यह बहुत ही पिटी है और इसे अभी डिस्ट्रॉय कर दो. Destroy the creeper while it is still young. यह भी बहुत ही छोटी और यंग है. The old bird advised. Now it is a tender and you can cut easily. Tender मतलब होता है कोमल. लेकिन यह अभी बहुत ही कोमल है जिसे तुम आसानी से कट कर सकते हो. Later it will. उसके बाद later it will be become hard. उसके बाद यह जो है बहुत हार्ड हो जाएगी. later it will become hard and you will not be able to cut. उसके बाद तुम इसे कट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी.
वेल 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 सी वेल सी आंसर्ड, उसके बाद आंसर देता है वेल सी आंसर्ड द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कीपर, लेकिन हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दे फॉरगेट वाइज, फॉरगेट वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, ओल्ड बर्ड एडवाइस बोलता है एज द क्रीपर ग्रो, इसे क्रीपर की तरह ग्रो होने दो, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्रीज, ये जल्दी वाइंडिंग कर लेगी पेड़ को चारों, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रोंगर इट बिकम, ये स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर होती जाएगी, मजबूत से मजबूत हो जाएगी, यूनिटी इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, और थिक रोप की और चारों तरफ ये क्या पेड़ के ऐसे घूम जाएगी। देखिए वन मॉर्निंग वेन द गीस हैड गॉन आउट अ सर्च ऑफ फूड, एक दिन जो गीस थे वो फूड सर्च करने के लिए बाहर गए हुए थे। वन मॉर्निंग वेन द गीस हैड गॉन, गॉन मैंने जाना फूड सा, हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, हंटर फॉरेस्ट में आता है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, जहाँ पे वाइल्ड गीस रहते थे। ही सेड टू हिमसेल, अपने से बोलता है व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब मैं शाम को आऊँगा आई शैल कैच अप देम, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ब्ड अप द ट्री, हंटर ट्री पर चढ़ता है विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, इसी क्रीपर की हेल्प से जो हंटर है चढ़ता है। ही गॉट टू द टॉप, और टॉप पर जाता है। स्प्रेड दिस नेट देयर, वहाँ पे नेट को फैला देता है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वहाँ से नीचे उतर आता है। एंड द इवनिंग, शाम को द गीज रिटर्न होम, गीज शाम को होम घर आती हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वो नेट को नोटिस नहीं करती हैं। एज दे फ्ली इन टू द ट्री, और वो पेड़ पर बैठ जाती हैं। दे वर ट्रैप्ड और फंस जाती हैं, ट्रैप्ड माने होता है फंसना। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं उससे बाहर निकलने के लिए। बट कुड नॉट हेल्प, लेकिन वो नहीं बाहर उससे नहीं निकल सकती थी। हेल्प हेल्प क्राइड द ग्रीस, जो हेल्प हेल्प करके ग्रीस जो है चिल्लाने लगती हैं। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, वो जो है हंटर्स को काटने लगती हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, हम क्या कर सकते हैं अब। ये देखिए डोंट मेक अ फस नाउ, डोंट मेक अ फस नाउ से द वाइज ओल्ड मैन, आप लोग को घबराना नहीं चाहिए। से द ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू डिस्ट्रॉय द कीपर, मैंने बहुत पहले ही बोला था कि कीपर को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। बट यू डिड नॉट नाउ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नाउ सी वॉट हैज़ हैपन, देखो अब क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल बी कम, टुमारो मॉर्निंग में हंटर आएगा और यहाँ पर सारी बर्ड्स को मार देगा। कम बैक एंड किल अस ऑल, वी वर फुलिस, हम मूर्ख थे। वेप्ट द वर्ड्स, वेप्ट मतलब होना रोना। वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत सॉरी हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट डू यू डू, हमें अब क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, तो वाइल्ड ओल्ड मैन गीज बोलती है केयरफुली सुनिए। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, और वाइज ओल्ड बर्ड रिप्लाइड करती है। व्हेन द हंटर कैम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब भी हंटर आएगा ऐसा प्रिटेंड करना सभी कि हम मर गए हैं। प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, बिना हिले डुले वहाँ पे लाई बैठ जाना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट टू डेड बर्ड्स, हंटर कभी भी डेड बर्ड्स को नहीं ले जाएगा। ही विल थ्रो अस टू ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड पर फेंक देगा। ही विल थ्रो अस द ग्राउंड, इट विल बी देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, हम जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। इट विल बी देन ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, जिससे वो नीचे ईजी उतर सके। कलेक्ट द डेड बर्ड, वो सारे डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा जो मरे हुए पक्षी हैं। एंड टेकन, उसके बाद एट होम देन होम व्हेन द लास्ट ऑफ हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब भी वो लास्ट बर्ड नीचे गिरेगी थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, जैसे वो लास्ट बर्ड को नीचे फेंकेगा हम क्विकली फ्लाई करने लगेंगे, उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर कैम
कैम टू द ट्रीज एंड क्लाइम्ड अप. मॉर्निंग में हंटर आता है और स्पीड पर चढ़ता है. क्लाइम्ड अप ही लुक एट द गीज एट द नेट. देखता है कि गीज जो नेट में फंस चुकी हैं. दे आर ऑल डेड. सभी मर चुकी हैं. ही मटर्ड माने होता है टू हिमसेल्फ. मटर्ड माने होता है फुसफुसाना. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. अपने से बात बोलता है. ही थ्रो दैम आउट और नेट वन बाई वन. वो बोलता है मैं एक एक करके इसे यहाँ से बाहर फेंकता हूँ क्योंकि सभी को एक साथ ले जाना मुश्किल होगा. ही थ्रो दैम आउट ऑफ नेट वन बाई वन. द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन बेड हैज बीन थ्रो डाउन. जैसे लास्ट बर्ड नीचे गिराता है स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन. देन ऑल एट वन सभी जो बर्ड्स हैं दे गॉट अप. सारी बर्ड्स उठती हैं. फ्लैपड देयर विंग्स. अपने विंग को फैलाती हैं. एंड फ्लू अवे. उड़ जाती हैं. फ्लू अवे. द हंटर वॉज टेकन बहुत सरप्राइज. हंटर बहुत सरप्राइज हो जाता है. आश्चर्यचकित हो जाता है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रीज से और ट्रीज के ऊपर से देखता है. ट्री द वॉचेस्ट ऑल गीस फ्लाई अवे. सारी गीस जो हैं उड़ रही हैं. ये देखिए ये जो है हंटर जो है देखता है सरप्राइजली कि कैसे सारी बर्ड्स मरी हुई थी अचानक फ्लाइज करने लगी ये बर्ड्स. आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. थैंक यू सो वॉचिंग. ये स्टोरी जो है शिव कुमार ने लिखी है. एडॉप्ट फ्रॉम स्टोरीज पंचतंत्र से ली गई है. अ वाइज ओल्ड बर्ड. जैसे हमने गीस देखा था यहाँ पे न्यू वर्ड्स गीस प्लूरल फॉर गीस है. और क्रीपर प्लांट दैट हैड नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजली अलॉन्ग वॉल अ ट्री. क्रीपर जो होते बहुत कोमल होते हैं जिन्हें सपोर्ट के लिए चाहिए होता है. वाइंडिंग मतलब होता है गो इन सर्कुलर स्पैरल. कोई वाइंडिंग कर रहे हैं आप इसके चारों जो है वाइंडिंग करते हैं. जैसे क्रीपर जो चारों पेड़ के ऊपर वाइंडिंग की तरह चढ़ती है. मटर्ड माने होता है स्पोकन इन लो टोन. छोटी स्मॉल वॉइस में बोलना लो वॉइस में. फ्लैप्ड माने होता है मूव विंग अप एंड डाउन. अपने फ्लैपड माने होता है फड़फड़ाना अप एंड डाउन करना.